सारे बच्चों नमस्कार। दसवीं कक्षा के विज्ञान के सेकंड चैप्टर अमल अक्षारक व लवण के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम अक्षारकों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं जो है अक्षारकों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए पढ़नी है। कि जैसे हमने अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी, अम्लों के अक्षारकों के साथ पढ़ी थी, ठीक। तो दो तो उसी टाइप की रिएक्शंस है, जबकि एक तो सेम ही है, ठीक। और अगले जो दो अलग है वो ये है कि एक तो अक्षारकों की लवणों के साथ है और अक्षारकों की अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हमने पढ़नी है, जबकि पहले हमने अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ पढ़ी थी और अक्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ पढ़ते हैं। ओके, आपने ये चीज याद रखनी है अच्छी तरह से। तो देखिए अक्षारक जो है धातु के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी तरह से अक्षारक अम्लों के साथ मिलकर के लवण तथा जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण। और अक्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ मिलकर के भी यही उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, लवण तथा जल। तो यहां से एक बात स्पष्ट आ जाती है कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, क्योंकि आगे प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सिमिलर मिल रहे हैं। ओके, आगे अक्षारक जो लवणों के साथ मिलकर के लवण तथा धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि विलयन में अघुलनशील होते हैं। ओके, तो आइए अब इसको डिटेल से हम पढ़ते हैं। अब देखिए अक्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि जैसे हम कोई अक्षारक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम किसी धातु जैसे जिंक के साथ हम रिएक्शन देखें, तो यहां पर एक साल्ट बनेगा जिसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Na2ZnO प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ये एक्वस मीडियम में होता है, तो और धातु जो है ये सॉलिड होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस मीडियम में ही रिएक्ट करेगा। तो जहां पर इसके स्टेट दिखानी हो आप दिखा सकते हैं। तो अब देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं कि दो सोडियम यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर दो लगा देते हैं, और जिंक ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन H2 है। ओके, तो बाकी सारा कुछ बैलेंस है। तो अब देखिए आपको ये मेरे नोट्स में सब कुछ जो है बिल्कुल आसान सी भाषा में लिखा हुआ मिल जाएगा कि अक्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया, अक्षारक धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और ये जो है मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल जो है एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर के सोडियम जिंकेट, सोडियम और जिंक, सोडियम यहाँ पर एटम है, ये आयन है, जिंक के साथ मिलकर के सोडियम जिंकेट बना रहा है यहाँ पर। और इसी तरह से एल्यूमिनियम है जिंक की जगह पर, तो सोडियम प्लस जल ये क्या करेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएंगे, यानी जिंक की जगह एल्यूमिनियम आ गया तो सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक। या सोडियम जिंकेट था, सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक। बाकी तो इसको बैलेंस ही करना है। ओके, इसी तरह से हम अम्लों के अक्षारकों के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे, सेम टू सेम वही मैंने कॉपी पेस्ट किया जो पहले अम्लों के रासायनिक अभिक्रिया में किया था। देखिए कोई भी अक्षार किसी अम्ल के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, और ये ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है,
उदासीनीकरण, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl पोटासियम क्लोराइड प्लस जल, सेम टू सेम पिछले लेक्चर वाली है। ओके अब आगे आता है कि अक्षारकों की अ धातु वाली मैं पहले पढ़ा देता हूं आपको। अ धातु ऑक्साइडों के साथ अगर अक्षारक रिएक्ट करते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल, यानी लवण प्लस जल वाले, यानी ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो धातुओं के जो ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये देखिए अक्षारक है आगे लवण प्लस जल बन रहे हैं तो इसका मतलब इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। ओके कर लेंगे आप। अब देखिए कि एक है अक्षारकों की लवणों के साथ अभिक्रिया। अब जैसे यहां पर जिंक सल्फेट एक लवण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अक्षारक है, तो यहां पर देखिए कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक दूसरे टाइप का लवण बन गया और ये जिंक प्लस हाइड्रोक्साइड ZnOH2S जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये अघुलनशील होता है, इसलिए इसको इस तरह से हम डाउन एरो करके दिखाते हैं क्योंकि ये अघुलन धात्विक हाइड्रोक्साइड है। अघुलनशील होने के लिए कारण से हम इसको इस तरह से डाउन एरो से दिखाते हैं। सेम टू सेम इसी तरह की अभिक्रिया जो है आयरन क्लोराइड की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की होगी। ओके तो ये थे अक्षारकों के रासायनिक गुण। तो देखिए इसमें अक्षारकों के रासायनिक रासायनिक गुणों में जो है आपके पास तीन टाइप के रिएक्शंस आपके लिए नई है, तो थोड़ा सा आपके लिए ये नया काम है, इसलिए आपको लगेगा कि सर ने जो है बड़ी मुश्किल रिएक्शन करवा दी, लेकिन मुश्किल नहीं, इनको आपके लिए एक ही फार्मूला है कि इनको 5-4 बार जो है अपने रफ कॉपी में लिख लिख करके बार बार प्रैक्टिस करें, फिर याद हो जाएगी। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार इनकी लेफ्ट हैंड साइड कॉपी पे लिख ले, राइट हैंड साइड एक बार अपने आप पहले याद करके लिखने की कोशिश करें, इनके जो नाम है उनको लिखने की कोशिश करें, ना आए तो एक बार फिर से नोट्स में देखें और फिर दोबारा से इसको ऐसे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। अब हम जो है आज के लेक्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, वो है NCERT बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जिसमें से बीच वाले मैंने उठाए हैं, जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो, और कुछ अभ्यास के प्रश्न भी जो है, जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सॉरी इस लेक्चर में। अब देखिए सबसे पहला जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। अब देखिए कि दही ले ले या कोई भी और खट्टा पदार्थ हम ले लें, तो दही और खट्टे पदार्थ, ये जैसे खट्टे पदार्थ में क्या होता है, अम्ल होता है, और पीतल वैसे तो मिश्र धातु लेकिन इसमें धातु तो होती है, अम्ल प्लस धातु रिएक्शन तो होगी, सिंपल सी बात है, रिएक्शन तो होगी। जब ये अम्ल और धातु आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनता है कई बार बहुत विषैला बन जाता है। ठीक, और हमारे सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है, इसलिए पीतल के बर्तनों में या तांबे के बर्तनों में, ठीक, पीतल या तांबे जैसी जो धातु होती है, तो ऐसे बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थों को कभी भी नहीं रखना चाहिए। ओके, तो जो मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पर लिखा है कि दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, और अम्ल धातुओं के साथ कैसे शीघ्र ही क्रिया कर जाते हैं, और यदि हम इनको धातुओं के पात्रों में रखते हैं तो क्रिया करके क्या बनाएंगे, विषैले यौगिकों का निर्माण करेंगे जो हमारे लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, इसलिए इन पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तनों में कभी नहीं रखना चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और डेली लाइफ में यूज के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज। ओके, आपको अच्छे से समझना है। अब आगे देखिए कि सेकंड क्वेश्चन जो है ये कहता है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर
सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? धातु प्लस, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना था, मैंने वाटर लिख दिया था, करेक्ट कर लेना इसको। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, और इसकी जांच कैसे करेंगे? कि पहले तो यहाँ पर ये हम बता ही देंगे कि धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया होने पर कैसी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन गैस जो भी निकलेगी उसके पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर के आओ, ठीक, और ये फटफट के ध्वनि के साथ जलती है, और फटफट के ध्वनि के साथ जलती है इसका मतलब यहाँ पर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ओके, कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ कोई अम्ल है, इसमें हम जिंक के पेस्ट डाल देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो जो गैस निकले उसको आप यहाँ से निकलने दें, उसके पास यहाँ पर जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके हैं, फिर जलती हुई माचिस की तिल्ली के साथ पटाखे से बजेंगे फटफट से, ठीक है। तो अगर इस तरह की आवाज आती है तो इसका मतलब क्या है? वहां पर हाइड्रोजन गैस ही है। ओके, आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, ऐसी क्वेश्चंस को रटना नहीं होता, समझ के साथ करना होता है कि कोई भी धातु यौगिक ए है हमारे पास, देखिए कोई धातु यौगिक ए है हमारे पास, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ओके, तो कहते हैं कि ये गैस उत्पन्न होती है जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक। उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक। तो अब देखिए कि यहां पर अम्ल है और अम्ल लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाली हमने किसके साथ रिएक्शन पढ़ी थी? हम लोग की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ ही पढ़ी थी। तो इसका मतलब कि यहां पर कोई धातु यौगिक है, धातु देखिए यहां से ही तो मिल रहा आपको कि कैल्शियम ही होगी, एक ही जगह हम लिख रहे हैं कि कैल्शियम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हिंट दे रहे कि इसका कार्बोनेट होगा CaCO3। तो ये जो एक यौगिक जो है धातु का, ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ओके, तो अब इसको बैलेंस करना ही बाकी है, और साथ में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl या हाइड्रोजन रहेगा तो यहाँ पर आपको वाटर और मिलेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लगेगा, बस ये इसका आंसर है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर लिखा है कि यह यौगिक निश्चित रूप से क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर के क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इससे उत्पन्न गैस जो है वो क्या कर देती है? जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, ठीक। और ये संतुलित रासायनिक समीकरण हमने इसके लिए लिख दिया है। अब आगे प्रश्न नंबर 5 में देखिए कि यहाँ कुछ शब्द समीकरण दे रखे हैं, उनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये वास्तव में क्या है कि धातुओं की अम्लों के साथ ही अभिक्रिया है, जो हम पहले अच्छी तरह से कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो देखिए वही लवण प्लस हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है। तो जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकता है। तो यहाँ पर कोई नया काम नहीं है, जो हम अम्लों की धातुओं के साथ रिएक्शन पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें बताएंगे कि अम्ल और अक्षार के जो विलयन है वो सुचालक क्यों होते हैं, विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, और एल्कोहल वगैरह जो हाइड्रोजन तुल्य भी होती है लेकिन वो विद्युत धारा का के सुचालक नहीं होते। इस टाइप से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम
स्टडी करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी स्टडी करेंगे। ओके, इसके बाद जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, वीक बेस कौन से होते हैं, ठीक है, यानी प्रबल और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार कौन से होते हैं, उनको टेस्ट कैसे करते हैं, उनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मेरे साथ आप बने रहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताना मुझे। ठीक है, आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।